तो कैसे हो आप लोग। अब देखो, आप सबको पता होगा कि ह्यूमन ऑर्गन्स को बेचना लीगल नहीं है। मतलब आप ह्यूमन ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको आप डोनेट कर सकते हो, बेच नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इस ये सब करना लीगल है। ईरान की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप अपने जो शरीर के हिस्से हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, उनको आप किसी को भी बेच सकते हो। आपको उसके लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी वहाँ पे। मतलब कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियल रूप से ये लीगल किया हुआ है कि आप किसी भी ज़रूरतमंद को कुछ पैसों के लिए अपने शरीर के हिस्से बेच सकते हो, और वहाँ पे जो लोग हैं वो उन्हें इजीली ख़रीद भी सकते हैं। मतलब आपको डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी जो गरीबी रेखा है वो ईरान के अंदर बहुत नीचे है, और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने शरीर के हिस्से इजीली बेच देते हैं। जैसे कि किडनी हो गई, किडनी सबको पता है दो होती तो एक किडनी किसी ने बेच दी, या फिर अपने बाल, टीथ, स्किन टिश्यू, बोन मेरो, आँखों के रेटिने और हड्डियाँ तक। मतलब काफ़ी बॉडी के अंदर देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऐसे इतने पार्ट होते हैं जिसको बेचा जा सकता है। लेकिन ये लीगल नहीं, ये सभी कंट्री के अंदर सिर्फ ईरान को छोड़ के, और ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के भी, आपको कुदरत के खिलाफ जाता है ये अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो। लेकिन फिर भी अगर आप किसी ज़रूरतमंद को बेचते हो ईरान के अंदर, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑफिशियली लीगल है। यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द एनी अदर पर्सन। ओके, आपको सीधा जाना है और वहाँ पे आप बेच सकते हो, डोनेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बात करें दूसरी सभी कंट्रियों की, तो वहाँ पे अगर आप अपना कुछ शरीर का हिस्सा है वो बेचना चाह रहे हो तो आप नहीं बेच सकते हो। आपको डोनेट कर सकते हो, और डोनेट भी सिर्फ उसी बंदे को कर सकते हो जिसके साथ आपके जो रिपोर्ट्स हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं, वो प्रॉपर मैच होते हैं। ये एक पूरा एक कोर्स होता है जिसके अंदर पहले आपके ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है, उसके बाद करीब 6 महीनों तक आपके जो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है वो देखा जाता है। उसके बाद जाके आप अपनी बॉडी के हिस्से को किसी भी बंदे को डोनेट कर सकते हो। और आपने कई सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी सुना होगा जो अपने शरीर के हिस्सों को डोनेट कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद में मेरी आँखों को, मेरे किडनीज़ को, मेरे बालों को, मेरे दांतों को, इनको यूज़ कर लिया जाए किसी ऐसे बंदे के लिए जिसको इनकी ज़रूरत है। ऐसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी, जिसमें ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये सब डोनेट ऑलरेडी करके रखा हुआ है कि उनके मरने के बाद उनके जो शरीर के हिस्से हैं जिनको उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है डोनेशन के लिए, वो उनके शरीर से निकाल लें और किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान के पास लगा दें जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर जिसके पास वो हिस्से है ही नहीं। तो बात करेंगे किडनी की सबसे पहले आज के इस वीडियो में, क्योंकि किडनी ही इंसान के शरीर में एक ऐसा हिस्सा जो कि जिसकी जो वैल्यू है ना सबसे ज़्यादा। ऐसे तो इंसान के शरीर की अगर वैल्यू लगाई जाए तो वो प्राइसलेस है, आप उसकी कोई प्राइस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये हमको, हमने बनाया नहीं है, ये हमको मिलता है कुदरत के द्वारा। और कुदरत की किसी चीज़ को अगर हम किसी चीज़ से वैल्यू करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन बात करते हैं, फिर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी चीज़ों को डोनेट कर देते हैं, अपने हिस्सों को डोनेट कर देते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के हिसाब से ही अपने जो शरीर के हिस्से होते हैं उनको डोनेट करने या फिर सेल करने के लिए निकल जाते हैं, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हो जाता है, तो उन सब के बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो में। देखो यार, सबसे पहले तो बात करें कि इंसान के जो शरीर है, ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, उसकी जो वैल्यू है वो अगर आप डोनेट करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ये बात क्लियर है, सबको पता है। अगर आप किसी भी बंदे को अपना शरीर का कोई भी हिस्सा डोनेट करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप ब्लैक मार्केट में जाते हो किसी से सोर्स के द्वारा या फिर किसी कॉन्टैक्ट के द्वारा, अगर आप ब्लैक मार्केट में जाते हो और स्पेसिफिक करते हो कि यार आपको अपने शरीर का कोई हिस्सा बेचना ही है, तो वहाँ पर जाके आपके एक फिक्स प्राइस होती है वहाँ पे हर पार्ट के लिए कि भाई इस पार्ट की ये प्राइस है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी को डोनेट करते हो ऑफिशियली तरीके से अपने शरीर का किसी अंग को, अपने ह्यूमन ऑर्गन को, तो प्रॉपर 6 मंथ का ऑब्जर्वेशन रखा जाता है।
कि यार 6 मंथ तक पहले वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो डोनर है और जो रिसीवर है उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो पूरे मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। लेकिन ब्लैक मार्केट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 7 डेज की ऑब्जर्वेशन होती है और 7 डेज की ऑब्जर्वेशन के अंदर आपके शरीर से आपके हिस्से को अलग कर दिया जाता है, या फिर कई बार तो ऑब्जर्वेशन होती ही नहीं है, सीधा ही ऑपरेट किया जाता है जहाँ पर आपके शरीर के हिस्से को निकाल लिया जाता है और आपको कुछ मेडिसिन देकर के वहाँ से फ्री कर दिया जाता है। मतलब इवन एक सिंगल डे के लिए भी आपको एडमिट नहीं किया जाता, ठीक है। ऐसे एक तो ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह नहीं मैच होती है। दूसरी बात, जब आप डोनेट करते हो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को तो हॉस्पिटल की तरफ से आपको जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है वो बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको किसी भी दूसरी बीमारी लगने का डर नहीं होता। लेकिन जब आप ब्लैक मार्केट में जाके अपने शरीर के हिस्से को सेल करते हो तो चांसेस 90% ऐसे होते हैं कि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्ट लग जाए, क्योंकि वो जो है इल्लीगल काम है, वो अलाउड नहीं है बाय द गवर्नमेंट, वो काम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जब आपको लेके जाएगा थिएटर के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो हो सकता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं हो, जो डॉक्टर आपको ऑपरेट करने वाले हैं ऑपरेशन में वो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, और उनका सिर्फ मेन जो प्रोपोगेंडा होता है वो ये होता है कि उन्हें सिर्फ वो शरीर का हिस्सा बाहर निकालना है, क्योंकि उनका वही काम है, उन्हें आपकी हेल्थ से, उसके बाद आपके साथ बॉडी में क्या इन्फेक्शन होने वाला है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका सिर्फ यही काम होता है, वो उन्हें जाना है और वो चीज़ को निकाल के लाना है और आपको पैसे दे के आपको वहाँ से रवाना कर देना है, तो उनका वो काम होता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और मेरे को एक केस याद है जिसके बारे में आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी होगा, कि एक बच्चे ने आईफोन लेने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी। काफ़ी सारे लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक अफवाह है, एक रूमर है, लेकिन ये वाकई में एक घटी हुई सच्ची घटना है, जहाँ पे चाइना के अंदर एक 16 या 17 साल के लड़के ने अपने माँ बाप से जिद करी कि मुझे आईफोन लेना है, और माँ बाप जो थे उसको आईफोन नहीं दिला पा रहे थे। उस टाइम की बात है ये, जब आईफोन 5S लॉन्च हुआ था, तो बच्चे को इतना बुरा लगा कि उसने ऑनलाइन सर्फिंग करी और किसी से ब्लैक मार्केट का नंबर निकाल करके कांटेक्ट किया कि भैया मुझे आईफोन लेना है, तो उसके लिए मैं अपने शरीर का कोई सा भी हिस्सा बेच सकता हूँ। तो डील डन हुई कि भैया वो अपनी किडनी बेचेगा। उसको बुला करके एक रूम में लेके गए, जहाँ पर वो जो रूम का एटमॉस्फेयर था गंदगी थी, इतनी गंदी थी कि जिसकी हद नहीं। उसकी जब किडनी वहाँ से निकाली और किडनी निकालने के बाद ही उसको कुछ मेडिसिन दे करके इंजेक्शन लगा करके रवाना कर दिया। लेकिन जब उसकी जब पहली किडनी निकाली ना, तो उसी टाइम उसकी जो बॉडी थी उसके अंदर इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो था बहुत ही गंदा था। आपको लगता है कि जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर कुछ लगता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको साफ़ कर सकते हो, लेकिन अगर कटा फटा और वहाँ पे कुछ लगता है तो चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन होने के। तो इस तरीके से उस बंदे को इन्फेक्शन हो गया, और उसकी जो एक किडनी तो निकाल ली थी और दूसरी किडनी उसकी ऑटोमेटिक डैमेज हो गई। मतलब कि अभी वो बंदा डायलिसिस के ऊपर है, अब उसको खुद को किडनी चाहिए, अब वो खुद किडनी डोनर ढूंढ रहा है कि भैया हमको किडनी मिल जाए, लेकिन किडनी डोनर नहीं मिल पा रहा उसको, क्योंकि लीगल तरीके से जो किडनी की जो वेटिंग लिस्ट है बहुत हाई है। वहाँ पे आपको अगर आज अप्लाई करोगे किडनी के लिए तो आपको पता नहीं कब जाके नंबर आएगा। इसके लिए ये भी एक रीज़न होता है कि किडनी डोनर जो जिसको किडनी चाहिए होती है रिसीवर को, वो डायलिसिस पे ही मर जाता है, क्योंकि किडनी उसको टाइम पे मिल ही नहीं पाती है। और अगर कोई रिलेटिव या फिर कोई कहीं से जुगाड़ लगा करके ब्लैक मार्केट से कॉन्टैक्ट करता है, तो वहाँ पे किडनी की जो प्राइस है वो इतनी महंगी होती है कि अफोर्ड ही नहीं कर पाती, जो नॉर्मल जो आम आदमी होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब देखो, सबसे पहले बताता हूँ, जो ब्लैक मार्केट के अंदर आपकी जो बॉडी है उसके हर पार्ट की एक अलग से स्पेसिफिक प्राइस है। जहाँ पे किडनी की बात करें तो किडनी की पूरे $2,00,000 आपको मिलते हैं अगर आप अपनी किडनी बेचते हो। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि अप और डाउन कभी कभी होता रहता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली $2,00,000 के आसपास किडनी की प्राइस होती है एक किडनी की। अगर इंडियन करेंसी में अपन कैलकुलेट करें तो इट विल बी लाइक 1,20,00,000, मतलब 1,20,00,000 के आसपास एक किडनी की प्राइस होगी। अब ये बात सुन के काफ़ी सारे लोगों को तो बिलीव नहीं होगा कि यार एक इंसान की किडनी की प्राइस सिर्फ 1,20,00,000, इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि ये ह्यूमन ऑर्गन्स है, इसको आप बना नहीं सकते हो किसी भी तरीके से, ये नेचुरल है, कुदरत है और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के, इलीगल है हर तरीके से।
तो ये 1,20,00,000 के आसपास इसकी एक किडनी की प्राइस होती है। इसके अलावा जो बाकी के जो हमारे शरीर के अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि बाल, दांत, स्किन टिश्यू, हड्डियाँ, बोन मेरो, आँखों के रेटिने, इन सब की अलग अलग प्राइस फिट करके रखी है, सेट करके रखी है। तो किडनी की प्राइस जो है वो 1,20,00,000 के आसपास है। लेकिन अब ये बात सुनकर के काफ़ी सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल आएंगे कि यार दो किडनी होती है और एक किडनी से आदमी जिंदा रह सकता है, तो एक किडनी अगर मैं बेच दूं तो मुझे 1,20,00,000 मिलेगा, राउंड फिगर में 1,00,00,000 लेके चलो, तो उसके साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मतलब कि मेरे पास तो सब कुछ आ जाएगा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर लूँगा और भी जो भी छोटे मोटे हैं वो सब निपटा दूँगा और जिंदा तो रहूँगा क्योंकि एक किडनी अभी भी मेरे पास सही सलामत है। ठीक है, ये बात काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आएगी, लेकिन ये बात सच भी है कि आप एक किडनी से अच्छी तरीके से अपनी पूरी की पूरी लाइफ निकाल सकते हो। आपको दो किडनी की ज़रूरत नहीं है, एक किडनी बहुत ही इनफ है। अगर आप सही तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तो एक किडनी इनसफिशेंट है। लेकिन अब जब किडनी आप बेचने जाते हो तो वहाँ पे होता है स्कैम। प्राइस तो मैंने आपको बता दी कि 1,20,00,000 है, लेकिन क्या ये 1,20,00,000 आपको मिलेगा? पूरा मैटर सेट होता है इस जगह के ऊपर। देखो मैं आपको एक स्कैम बताता हूँ कि जब आप अपनी किडनी बेचने जाते हो तो उन लोगों को पहले से पता ही नहीं होता कि भैया उनकी जो किडनी की जो प्राइस है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो कि ब्लैक मार्केट के अंदर, जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, एजुकेटेड नहीं होते हैं, और उनको सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, मतलब यार जिस बंदे के लिए 1,00,000 का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको 1,00,00,000 से क्या मतलब, उसको 1,00,00,000 के बारे में बताते ही नहीं है, उसको तो सिर्फ 5,00,000 दिया और निकाल दिया। मतलब कि जब किडनी बेचने कोई बंदा जाता है तो उसको एक्चुअल प्राइस के बारे में पता ही नहीं होता, और जो पता भी होता है तो जो बड़ा अमाउंट होता है बीच का वो मीडिएटर बंदा ही खा जाता है, या फिर जो मेन पार्टी होती है वही निपटा देती है, और जो डोनर होता है जो अपनी किडनी बेच रहा है उसको कुछ ही नहीं मिलता। हद मार के 5-6,00,000 रुपए का एक अमाउंट मिलता है उसको, और उसके साथ ही उसको रवाना कर दिया जाता है। मतलब कि कहाँ पे 1,20,00,000 और कहाँ पे 5-6,00,000, जहाँ पे आपने कितने सारे रिस्क उठाए हैं आपकी बॉडी को लेकर के, आपने बहुत ज़्यादा रिस्क उठा लिए हैं, हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन लग जाए, हो सकता है कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से वैसे भी इलीगल नहीं है, आपको पकड़ लिया जाए इस तरीके के काम करते हुए, तो ये डिसएडवांटेज भी हैं। तो बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप ब्लैक मार्केट में जाते हो और आपकी किडनी के आपको सही अमाउंट मिल जाता है। और एक रिसर्च में पता लगा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, कि इंडिया के अंदर करीब हर साल 1,00,000 लोग ऐसे हैं जो अपने ह्यूमन ऑर्गन्स को जिंदा रहने के टाइम ही बेच डालते हैं ब्लैक मार्केट के अंदर। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपको देखने में लगेगा कि यार ये सही लग रहा है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के हिस्से तक बेचे हुए हैं। और नॉर्मली आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बाल लंबे करते हैं और बाल लंबे करने के बाद उनको बेच डालते हैं, कटवाते हैं और बेच डालते हैं, और काफ़ी अच्छे उनको पैसे भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अब ये भी देखो एक बिजनेस हो गया है। पहले मिर्च मसाले बिकते थे, आजकल इंसान की बॉडी के पार्ट भी बिकते हैं, और आगे जाके पता नहीं और भी क्या क्या कुछ होने वाला है। तो एक वीडियो था, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि यार मैं तुम्हारा ये बिकवा दूंगा, ये बिकवा दूंगा, तो ये सिर्फ एक स्कैम है। इजीली ऐसा सब कुछ इजी नहीं होता कि यार आपने कहीं पे अपना नंबर डाल दिया कि भैया मुझे मेरी किडनी बेचनी है, मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और सामने से आपने किसी बंदे ने आपको फ़ोन किया, बोला कि भैया आ जाओ मिल लेते हैं और कर लेते हैं काम। ऐसा नहीं होता इजीली। आपको आपका शरीर है, आपकी ह्यूमन ऑर्गन से आपको सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, भगवान के द्वारा, कुदरत के द्वारा अपना जो शरीर है उसको संभाल के रखो, और मेरे ख्याल से ये करना सही नहीं होगा क्योंकि ये अगेंस्ट टू नेचर है, अगेंस्ट टू लॉ है, और उसके बाद भी काफ़ी लोग करते हैं सिर्फ अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, वो भी मजबूर होते हैं कि यार मजबूरी है क्या करें। तो ये था छोटा सा वीडियो इस किडनी को लेकर के। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और ह्यूमन ऑर्गन्स के पार्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो भाई, शेयर करो अपने दोस्तों से, शेयर करो ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। और जाते से जाते सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे आने वाले उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।